राधे राधे। आप सभी को गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। गणगौर में किस तरह से आप अकेले रहकर सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं, आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं। सबसे पहले आप जिस जगह पूजा करने वाले हैं उस जगह को आप हल्दी या गाय के गोबर से लीप लें, और लीपने के बाद जो है ना, उससे पहले आपको क्या करना है, अपना जो पल्लू होता है, आपने साड़ी पहन रखी है तो पल्लू में, सूट पहन रखा है तो उस पल्लू में या दुपट्टे में जो है ना, इस तरह से 16 गणगौरा जो है ना जरूर रखें। कभी भी खाली पल्लू में पूजा नहीं की जाती गणगौर की, तो मैंने 16 गणगौरा जो है ना अपने पल्लू में रख लिए हैं। अब जो है ना चौक के ऊपर थोड़े से चावल या गेहूं रखकर जो है ना उसके ऊपर आप इस तरह से पटा रख दीजिए, चौकी है तो चौकी भी रख सकते हैं। उसके बाद जो है ना इसके ऊपर इस तरह से आपको लाल कलर का कपड़ा बिछाना है। एकदम सरल तरीके से पूजा करना दिखा रही हूँ, आप अपने सहेली के साथ ये पूजा कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ जो है ना ये पूजा कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो आप अकेले भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपको आसन देना है, भगवान शिव और पार्वती के लिए आपको आसन देना है, और इसके बाद जो है ना एक दीपक के लिए आपको आसन देना है। थोड़े थोड़े चावलों के पुंज आपको रखने हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर घी का दीपक भगवान के दाहिनी ओर रख दिया है, ये है मेरे भगवान शिव और ये है देखिए पार्वती माता। पहले आपको पूजा में दीपक प्रज्वलित करना है, और हमारे यहाँ पर इसी तरह की गणगौर माता मिलती है मिट्टी की बनी हुई, और हमारे यहाँ तो कलर की हुई भी नहीं मिलती, तो इस बार जो है ना मैंने कलर किया, सच में बहुत सुंदर लग रही है हमारी गणगौर माता। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दीपक का पूजन कर दिया है, रोली चावल लगाकर पुष्प चढ़ा दिया है, और हाँ गणगौर माता का मन में ध्यान करते हुए थोड़े से चावल मैंने जरूर चढ़ाए हैं। इसके बाद जो है ना इस तरह से 16 बार आपको गणगौर माता पे इस तरह से जल चढ़ाना है, और उसके बाद जो है ना इसी तरह से 16 बार आपको कच्चा दूध भी चढ़ाना होता है। 16 संख्या का इसमें बहुत महत्व है, तो 16 बार ही आप जरूर चढ़ाएं, और हाँ दूबा से ही आपको जल और कच्चा दूध चढ़ाना है। इसके बाद जो है ना हम वस्त्र अर्पित करेंगे, तो गणगौर माता के लिए जो है ना विशेष रूप से वस्त्र जरूर सिले जाते हैं। अगर आपके पास जाना कुछ नहीं है तो आप दुपट्टा और चुन्नी जो है ना गणगौर माता और भगवान शिव पर आप चढ़ा दीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो कलावर रूपी वस्त्र आप जरूर चढ़ाएं, अनिवार्य होता है। तो गणगौर माता को जो है ना ये श्रृंगार की पूजा है, मतलब सुहाग की पूजा है, तो उसमें साज सज्जा बहुत जरूरी है। तो इस तरह से जो है ना जितना हम पर हो पाया उस तरह से जो है ना हमने अपनी गणगौर माता को इस तरह से सजा दिया है। इसके बाद चलिए पूजन आप शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रोली से इस तरह से जो है ना तिलक करना है। गणगौर माता की पूजा में गणगौर माता पर 16 श्रृंगार किए जाते हैं। मैंने यहाँ पर बिंदी लगा दी है, मेहंदी लगा दी है, हल्दी लगाऊंगी, और उनके पैरों में जो है ना आलता भी लगाऊंगी। आप चूड़ियाँ पहना दें, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं, और इसके बाद जो है ना इत्र भी जरूर लगाएं। जितना हो सके जो है ना गणगौर माता को आज के दिन सजाया जाता है, इसलिए सजाया जाता है ताकि हमारा सुहाग भी हमेशा अमर रहे। कहते हैं जितना हम भगवान को सजाते हैं भगवान उससे कहीं गुना ज्यादा जो है ना हमें सजा देते हैं। इसी भाव से जो है ना गणगौर माता आपको सजाना है, बाद में इत्र आपको जरूर लगाना है, क्योंकि इत्र भी जो है ना सुहाग के 16 सिंगारों में आता है। तो मैंने यहाँ पर इत्र भी लगा दिया है। इसके बाद जो है ना इस तरह के गणगौरा बनाए जाते हैं, आप इनको आटे से भी बना सकते हैं, बेसन के भी बनाए जाते हैं, और मैदे के भी बना सकते हैं। आपके यहाँ जिस तरह का लोग खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैदा के बनाए हैं, मीठे और नमकीन दोनों बनाए जाते हैं। पहले के जमाने में तो केवल मीठे ही बनते थे, लेकिन अब जो है ना मीठा खाना कोई ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, इसलिए जो है ना मैंने थोड़े से नमकीन भी बनाए हैं। तो नमकीन और मीठे दोनों गणगौरा हैं। तो एक पुंज जो आप देख रहे हो वो मैंने पार्वती माता के लिए निकाला है, और दूसरा पुंज जो आप देख रहे हो ये मैंने दान के लिए निकाला है। क्वांटिटी आपको 16-16 ही रखनी है, 16-16 ही रखे जाते हैं, गिनती से जो है ना निकाले जाते हैं। यहाँ पर मैंने गणगौर माता पे सुहाग छिड़का जाता है, तो वो सुहाग जो है ना मैंने इस तरह बाँस की डलिया में जो है ना निकाल के रख दिया है। इसके बाद जो है ना आपको सबसे पहले हल्दी की 16 इस तरह से टिपकियां रखनी है, उसके बाद रोली की 16 टिपकियां रखनी है। तो ये जो है ना आप सफ़ेद कलर के कागज़ पर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो सफ़ेद कलर के किसी कपड़े पर भी लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने हल्दी की, फिर मेहंदी की, महावर की, रोली की, और लास्ट में जो है ना मैं काजल की बिंदी लगा रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना गिनने में जो है ना ये 5
तरह की टिपकियाँ हो गई हैं। इस तरह से हमें रखना चाहिए कि विषम संख्या जो है ना आए, तो विषम संख्या हमारी पूजा पाठ में विशेष शुभ मानी जाती है, इसलिए मैंने 5 बिंदियाँ जो है ना 16-16 इस तरह से लगा दी हैं। इसके बाद आपको छोटा सा होम करना होता है, तो मैंने गाय के गोबर के उबले के ऊपर यहाँ पर हवन किया है, मतलब होम किया है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने हवन कुंड का पूजन किया, शिव पार्वती के नाम की यहाँ पर आपको आहुतियाँ देनी है, कोई मंत्र आता है तो मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है ना मीठे का भोग लगाया जाता है अग्नि में। अग्नि में मीठे का भोग इसलिए लगाया जाता है ताकि हम जिस देवी देवता के निमित्त ये पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, होम कर रहे हैं, उन तक जो है ना ये भोग पहुँच जाए। इसके बाद जिस तरह से आपको लास्ट में घी का आचमन करवाना है, जब हम किसी को भोजन कराते हैं उसके बाद जल पिलाते हैं ना, तो उसी तरह से अग्नि में जो है ना घी पिलाया जाता है। इसके बाद जो है ना आपको एक कांसे का बर्तन लेना है। अगर आपके पास कांसे का नहीं है तो आप स्टील का भी ले सकते हैं, अगर कांसा है तो बहुत शुभ है। तो आपको क्या करना है, इस तरह इसमें कच्चा दूध डालना है। आप इस कच्चे दूध की जगह आप हल्दी भी डाल सकते हैं, तरीका बहुत सही है। तो मैंने इसमें कच्चा दूध मिला दिया है। दूबा से जो है ना मैं अपनी चूड़ियों के ऊपर 16 बार छिड़कूंगी, 16 बार मैं अपने पल्लू पर छिड़कूंगी, मतलब जो भी मैंने 16 श्रृंगार किए हैं, क्योंकि ये पूजा जो है ना 16 श्रृंगार करके की जाती है, तो सारे श्रृंगार पर जो मैंने किए हैं सब पर जो है ना मैं 16-16 बार छिड़कूंगी, ताकि जो है ना ये जन्म जन्म तक जो है ना मेरे शरीर पर धारण रहे और मैं हमेशा सुहागन रहूं। इसके बाद जो है ना आरती की जाती है, और ये पूजा ज़्यादातर वैसे ग्रुप में की जाती है। अगर आप लोग बाहर रहते हैं, नौकरी के सिलसिले में आप बाहर रहते हैं, तो आप इस पूजा को इस तरह से सरल विधि से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से पूजा करना सीखा है। इसके बाद जो है ना जल का इस तरह से अर्घ दे दीजिए, और हाँ 16 बार अपने पल्लू से जो है ना इस तरह से माथा टेका जाता है, और जो आपने पल्लू में 16 गंगौरा लिए थे इसको जो है ना आपको खुद को ही खाना है, किसी को भी नहीं देना है, अपने पति को भी नहीं दिए जाते, ये समझ लीजिए। तो ये जो है ना खुद को ही खाना है, किसी को भी नहीं बांटना है। इसके बाद हमने गंगौरा माता पे जो 2 पुंज रखे थे ना गंगौरा के, इनका क्या करना है चलिए आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जो गंगौरा माता के गंगौरा है ना, इनको जो है ना आप किसी कन्या को दे दीजिए, और जिन पर हमने दक्षिणा रखी है इनको जो है ना दान किया जाता है। आप अपनी नंद को दान कर सकते हैं, आप अपनी सास को दान कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से आपके यहाँ पर कोई भी नहीं है, मतलब दूर रहते हैं, तो आप मंदिर में जो है ना सुहाग के जो सुहाग सामग्री हमने निकाली है ना छिड़की जाती है, वो उसके साथ जो है ना मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना इस पूजा को किया जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरा तरीका पसंद आया होगा, और मेरा तरीका आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे। मित्रों, आप सभी को गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। गणगौर माता की पूजा चैत नवरात्रि की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। राधे राधे, जय श्री राधे।